विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। स्वामी का अंगवस्त्र यहाँ और उनका जपमाला और कमंडल नहीं, अर्थात फिर इस संतान के जन्म के समय दीदी मनसा अकेली रह गई। किंतु कुछ समय बाद नागराज वासुकी के अनुरोध पर देवी कतरु पुत्री मनसा का ध्यान रखने पहुंच गई। जीवन में इतने त्याग करने के बाद आस्तिक के रूप में पुत्री मनसा को प्रसन्नता का एक कारण तो मिला। धर्मशास्त्र, वेद पुराण, उपनिषद में विश्वास रखेगा, इसीलिए आप इसका नाम रखिएगा आस्तिक। आस्तिक। ऋषि जरत्कारु के शब्दों को सार्थक करते हुए आस्तिक एक तेजस्वी बालक के रूप में बड़ा होने लगा। पुत्री मनसा बड़े स्नेह और दुलार से उसका पालन पोषण कर रही थी और स्वयं ऋषि कश्यप से श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त हो रही थी। गणेश, जिस प्रकार मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर होते हो तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ, ठीक उसी प्रकार मनसा की ममता भी उसे व्याकुल कर देती। जब आस्तिक कुछ क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि से दूर होता तो वो संपूर्ण आश्रम सर पर उठा लेती। अब ये सुरक्षा कवच मेरे पुत्र को किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित रखेगा। पुत्र, पुत्र आस्तिक, पुत्र आस्तिक। माता कद्रु, आस्तिक कहीं दिख नहीं रहा है, आपने कहीं उसे देखा है क्या? तुम्हारी अनुमति के बिना वो कहीं नहीं जाता पुत्री, यही कहीं होगा। इसीलिए तो माता मैं चिंतित हूँ, वो मेरे अनुमति के बिना कहीं नहीं जाता है, मेरी दृष्टि से दूर। माता, उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए ना। हाँ। आस्तिक। प्रणाम ऋषिवर, क्षमा करें, क्या आपने आस्तिक को कहीं देखा है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो था अभी, मुझसे ध्यान और साधना को लेकर कुछ प्रश्न किए और फिर उनके उत्तर पाकर चला गया। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्री, वो यहीं कहीं होगा। किंतु ऋषिवर, यदि वो यहीं कहीं होता तो मेरे इतने बार पुकारने पर वो चला आता, किंतु वो आया नहीं, वो कहाँ है? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम बहन मनसा। प्रणाम माते। भ्राता, आप बिल्कुल उचित समय पर आए हैं, पुत्र आस्तिक कहीं मिल नहीं रहा है, कृपया आप उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। आस्तिक का स्वर है। तुम वहां क्या कर रहे हो?
आस्तिक वृक्षासन ध्यान मुद्रा में था जो मैंने उसे अभी सिखाया था। हाँ माँ, तन और मन में संतुलन के लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। नमस्ते ब्रह्मरूप। किंतु पुत्र, इसके लिए अपने आप को संकट में डालने की और वहाँ जाने की क्या आवश्यकता थी? हाँ पुत्र, नीचे आ जा। नमः। बहन मनसा इतना ध्यान रखती हैं आस्तिक का, एक पल उसे अपने से दूर नहीं होने देती, तो फिर अब वो उसे कैसे जाने देंगी? और मैं अपनी बहन को फिर एक त्याग करने को कैसे कहूंगा? क्या मैंने उचित सुना ना माता? अभी दीदी मनसा को एक और त्याग करना था। हाँ पुत्र, आस्तिक को अपनी प्रसन्नता का आधार बनाने वाली मनसा को अभी एक और त्याग करना था। संतान से, पुत्र से दूर होना एक माँ के लिए सबसे बड़ा त्याग है। जिस उद्देश्य के लिए आस्तिक का जन्म हुआ था, उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पुत्री मनसा को अपने पुत्र को विदा करना था। आस्तिक को उस समय के दो प्रबल व्यक्तित्व महाराज जन्मेजय और उस समय के महानतम ऋषि शिष्य उत्तांग का विरोध करना था। वो दोनों नागवंश के अंत के लिए एक बड़ा यज्ञ आरंभ करने वाले थे। उन्हें रोकने का साहस और सामर्थ्य देवता भी नहीं रखते थे। अब नागराज वासुकी को वो करना था जिसे टाला नहीं जा सकता था। बहन, जन्म तभी सार्थक है जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो। आस्तिक के भी जन्म को सार्थक करने का समय आ गया है। सत्य तो यह है कि विनाश निकट है। जो भी उचित हो अभी करना होगा, अन्यथा संसार से नागवंश का अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा। महाराज जन्मेजय सर्प मेध यज्ञ करने वाले हैं, जिसे मात्र और मात्र आस्तिक ही रोक सकता है, अन्यथा समस्त नागवंश भस्म हो जाएगा। इन सब का कारण मैं हूँ। मैंने ही अपने नाग पुत्रों को भयंकर श्राप दे डाला। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ अग्नि में गिरकर तुम सब का अंत होगा। किंतु पांडवों के वंशज महाराज जन्मेजय ऐसा विनाशकारी यज्ञ कर क्यों रहे? और उतांग जैसे ज्ञानी ऋषि उनकी सहायता भी क्यों कर रहे? प्रतिशोध। महाराज जन्मेजय प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हैं। उनके पिता महाराज परीक्षित के साथ जो हुआ, उसके कारण उनके मन में नागों के प्रति गहरा द्वेष है। महाराज परीक्षित के साथ ऐसा क्या हुआ था माता? एक दिन हस्तिनापुर के महाराज अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित आखेट के बाद वन से लौट रहे थे और उस समय उन्हें बेहद प्यास सता रही थी। यहाँ तो कहीं भी जल नहीं दिख रहा। कोई है क्या? कुटिया में कोई है? मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल चाहिए। वो ऋषि श्रमिक का आश्रम था। महाराज परीक्षित ऋषिवर को उनके ध्यान से नहीं उठाना चाहते थे, किंतु मुझे ऋषिवर से ही जल की याचना करनी होगी। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मैं यहाँ जल प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूँ। मैं अत्यंत ही प्यासा हूँ, यदि मुझे जल नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे ऋषिवर। इसलिए
आपको आपके ध्यान से उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें जल देने की कृपा करें। मैं हस्तिनापुर नरेश परीक्षित हूँ ऋषिवर, हमारी सहायता कीजिए ऋषिवर, जल दीजिए हमें। परोपकार संसार का सबसे श्रेष्ठ धर्म है ऋषिवर, परोपकार में भी श्रेष्ठ है किसी प्यासे को जल देना, किसी तप के समान या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। इसलिए हमारी प्रार्थना को अनसुना ना करें ऋषिवर, कृपा करें हम पर, हमें जल दे ऋषिवर, हमें जल दे। विश्वास नहीं होता, एक ऋषि हैं हम, इसके बाद भी किसी प्यासे को जल देने के लिए तत्पर नहीं है हम। राजा का मान ना रखे कोई बात नहीं, लेकिन किसी पीड़ित की पीड़ा को दूर करना आपका तो धर्म है ऋषिवर। ऐसे अपमान, ऐसे तिरस्कार के बाद आपसे और अनुरोध करना व्यर्थ है ऋषिवर। ऋषि शमिक घोर तप में लीन थे, वो ना तो महाराज का तिरस्कार कर रहे थे और ना ही उनका अपमान, किंतु महाराज परीक्षित ये समझने में असमर्थ थे और फिर अपने क्रोध के आवेश में आकर वो ऋषिवर के आश्रम से बाहर निकले। पहले ही मैं प्यास से व्याकुल, उस पर यह मृत सर मेरे मार्ग में पड़ा है। वो मृत सर्प ऋषि शमिक के तन पर गिरा और उसी समय ऋषि शमिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी आश्रम पहुंचे और अपने पिता के तन से एक मृत सर्प को लिपटे देखकर उन्होंने उसे ऋषिवर का अपमान माना। ये क्या किया महाराज? रुकिए राजन, नहीं नहीं, यह मेरा आशय नहीं था। ऋषिवर, मैं तो यहां केवल जल मांगने आया था। और क्या राजन, आप इतना भी नहीं जानते? तप में लीन ऋषि संसारिक गतिविधियों से दूर रहते हैं, उनका सीधा संपर्क उनके ईश्वर से होता है, इसलिए ना उन्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। मृत सर्प को ऊन पे उछालकर आपने तप में बैठे ऋषि का नहीं उनके तप का भी अपमान किया है, इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। मैं आपको श्राप देता हूं कि एक सर्प ही आपकी मृत्यु का कारण होगा। आज से सातवें दिन सर्पों के राजा तक्षक के दंश से आपकी मृत्यु होगी। मैं आपको श्राप देता हूं एक सर्प की आपकी मृत्यु का कारण होगा, एक सर्प के राजा की मृत्यु का कारण होगा, आपकी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित ने ऋषि श्रृंगी से बहुत क्षमा याचना की, उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु ऋषि का श्राप कहाँ लौटाया जा सकता था। फिर देवर्षि नारद के सुझाव पर अगले 7 दिन महाराज परीक्षित ने महर्षि शुक जी से भागवत कथा सुनी और ऋषिवर की प्रेरणा से अपने भाग्य को स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप जब 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक ने उन्हें विष दंश दिया तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई।
मुझे अपने शरण में लीजिए प्रभु, अपने महाराज परीक्षित ने तो अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, किंतु उनके पुत्र जन्मेजय ऐसा नहीं कर सके। ये अन्याय है, अनजाने में की गई भूल का इतना बड़ा दंड तो उचित है। जो आपकी मृत्यु का कारण बने दंड तो उन्हें भी भुगतना होगा। मैं प्रण लेता हूँ, आज से 7 दिन बाद आपकी चिता से वैदिक प्रचंड अग्नि में सभी नाग भस्म होंगे। मैं सर्पराज तक्षक के साथ सभी नागों का विनाश करूंगा। और फिर जन्मेजय के इस प्रण का लाभ उठाकर ब्राह्मण युवक उत्तांक ने उन्हें सर्पमेध महायज्ञ में सहायता करने का प्रस्ताव दिया। किंतु उत्तांक की क्या शर्त होता थी सर्पों से? हाँ माता, गुणी ज्ञानी ब्राह्मण युवा उत्तांक नागों से इतने क्रोधित क्यों थे? उसका कारण भी सर्पराज तक्षक से ही जुड़ा हुआ था। अपने गुरु ऋषि वेद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित उत्तांक की जब शिक्षा पूर्ण हुई तो उत्तांक अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। भविष्य में तुम अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोक को प्रकाशित करोगे। प्रणाम गुरु माता। पुत्र अब तुम अपना सांसारिक जीवन आरंभ करो। किंतु गुरु माता, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए बिना भला ये कैसे संभव है? आपने ज्ञान का भंडार प्रदान किया है मुझे, तो मैं भी आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपके लिए विशेष हो। पुत्र यदि तुम हमें गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो राजा पौष्य की रानी के पास जाओ, जो धर्म परायणा है और प्रभु की महान भक्त होने के साथ दिव्य शक्तियों की स्वामिनी भी है। उनसे उनके कुंडल कुछ समय के लिए ले आओ, जिससे हम वो पावन यज्ञ कर सकें जिसे हम बहुत समय से करना चाहते हैं। हमारे लिए यही गुरु दक्षिणा पर्याप्त है। जो आज्ञा गुरु माता। उत्तांक अपने गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि उनके प्रति अपनी निष्ठा में गोबर भी चखने को तैयार थे। गोबर? उन्हें गोबर चखने की क्या आवश्यकता थी? महाराज पौष्य के राजभवन की ओर जाते समय उत्तांक को थकान का आभास होने लगा। गुरुदेव ने कार्य सौंपा है, वो मुझे शीघ्र ही संपन्न करना होगा, भले फिर कुछ भी हो जाए। हे देवी देवता, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मुझे राजा पौष्य के राजभवन में पहुंचने का सामर्थ्य दीजिए। मैं गुरुदेव और गुरु माता की पूजा और हवन में और विलंब नहीं होने दे सकता। ब्राह्मण देवता, इतने थके क्यों हैं आप? कब से यात्रा कर रहे हैं? एक सप्ताह तो हो ही गया होगा। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे और मेरे वाहन महिष के लिए तो ये यात्रा की सामान्य अवधि है। मुझे और मेरे महिष को आपके समान थकान का अनुभव नहीं होता है। आश्चर्य, यदि मुझमें भी आप जितना सामर्थ्य होता तो मैं भी अपने गुरुदेव और गुरु माता की इच्छा शीघ्र पूर्ण कर पाता। सामर्थ्य तो आपको भी प्राप्त हो सकता है, बस मेरे महिष का गोबर चखना होगा।
मुझ पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। किंतु चलने की ऊर्जा चाहिए तो उसका यह सरल उपाय है। सामर्थ्य तो आपको भी प्राप्त हो सकता है, बस मेरे महिष का गोबर चखना होगा। किंतु चलने की ऊर्जा चाहिए तो उसका यह सरल उपाय है। यदि ऐसा करने से मेरी सहायता होगी और मैं अपने गुरुदेव और गुरु माता का कार्य शीघ्र संपन्न कर सकूंगा तो यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। कल्याण हो। जो शिष्य अपने गुरु के लिए निकृष्ट कार्य करने को भी तत्पर हो जाए, ऐसे शिष्य को मेरा शत शत नमन। आश्चर्य, इन किसान ने सत्य कहा था। थकान मिट गई, अपार ऊर्जा प्राप्त हो गई। जब उतांग अपने गुरु के प्रति इतने निस्वार्थ भाव से निष्ठावान थे तो फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था माता, जो वो नागों के विनाश के लिए यज्ञ करने हेतु प्रेरित हो गए? जिनकी भक्ति में निष्ठा और निर्मलता का भाव होता है, उनके निश्चय में भी उतनी ही दृढ़ता होती है। और उतांग उतने ही दृढ़ निश्चय के साथ वो कुंडल लेने गए, और जब वो महाराज पौषी के राजभवन पहुंचे तो प्रणाम महाराज। मैं ऋषि वेद का शिष्य उत्तांग हूं, आपसे सहायता का निवेदन करने आया। मुझे गुरुदेव और गुरु माता की इच्छा पूर्ण करने, अपनी गुरुदक्षिणा देने, उनके हवन के लिए कुछ समय के लिए महारानी के दिव्य कुंडल चाहिए। आपके गुरु के प्रति आपकी ऐसी निष्ठा सराहनीय है, आप महारानी के पास जाकर उनसे उनके कुंडल मांग लीजिए, वो आपको निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद महाराज। इस प्रकार उतांग से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें कुंडल लेने महारानी के कक्ष में भेजा। किंतु उतांग महारानी के कक्ष में प्रवेश करने के बाद भी उन्हें ढूंढ नहीं सके। यहां तो कोई नहीं। महारानी, महारानी, मैं ब्राह्मण पुत्र उतांग हूं, आपके कुंडल लेने आया हूं, कृपया कर मुझे दर्शन दीजिए। जब उतांग महारानी के दर्शन ही ना कर सके तो निराश होकर राजा के पास लौट गए। महाराज, जिससे पूछता हूँ वो यही कहता है कि महारानी अपने कक्ष में है, किंतु भीतर जाने पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। कहीं मेरे साथ कोई परिहास तो नहीं, अथवा मुझसे ही कोई भूल हुई है जिसके कारण महारानी ने अपने दर्शन नहीं दिए? नहीं ब्राह्मण देवता, आपसे कोई भूल नहीं हुई, बस एक कमी रह गई। कमी? तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए महाराज, कमी जो भी हो मैं उसे दूर करूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए अपने प्राण ही क्यों ना देने हो, परंतु अपने गुरु को उनकी गुरुदक्षिणा देने में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मैं आपकी इस अद्भुत निष्ठा को देखकर और भी प्रभावित हुआ। किंतु आपको उसके लिए प्राण नहीं देने, बस अपनी अस्वच्छता का त्याग करना। आपका मन तो स्वच्छ, किंतु तन वो भी स्वच्छ है ना? मैं भूल गया था, मार्ग में प्रभु का प्रसाद ग्रहण किया पर फिर आचमन न कर सका। मूर्खता मैंने ही की, दिव्यता की मूर्ति महारानी के पास झूठे मुख को लेकर चला गया।
मैं अभी इस भूल को सुधार लूंगा। आज्ञा दे महाराज। केशव नारायण माधुभाव गोविंद विष्णु अर्चुनाथ विक्रम श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ। स्वागत है ब्राह्मण देवता। प्रणाम महारानी। हमें ज्ञात है आप यहां मेरी कुंडल लेने आए हैं। मेरे दिव्य कुंडल, मैं इन्हें आपको दे तो रही हूं, किंतु आपको इसे बहुत संभाल कर ले जाना होगा, क्योंकि अंधकारी शक्तियों के स्वामी, सर्पों के राजा, पाताल लोक निवासी तक्षक को तो बहुत समय से इन्हें पाने की लालसा है, और वो पाताल लोक से भी इनकी गंध पाकर इन तक पहुंच सकता है। आप चिंता ना करें महारानी, मैं इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा और इन्हें गुरुदेव और गुरु माता तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आज्ञा दीजिए महारानी। यही अवसर है उन दिव्य कुंडलों को पाकर अपने पास रखने का। अब मेरी यात्रा सफल हुई, अब मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा। सर्पों के राजा, पाताल लोक निवासी तक्षक को तो बहुत समय से इन्हें पाने की लालसा है, और वो पाताल लोक से भी इनकी गंध पाकर इन तक पहुंच सकता है। नहीं नहीं, इन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे थोड़ा मार्ग बदल लेना चाहिए। ये तो किसी ऋषि की कुटिया है। सर्प इनकी कुटिया में आने का साहस नहीं करेंगे। अच्छा है वो सर्प तो पीछे छूट गए। वो सर्प यहाँ तक पहुँच गए, मुझे बचकर निकलना चाहिए। सहायता, बचाओ बचाओ बचाओ, सहायता करो हमारी ब्राह्मण देवता। जिस सर्प ने हमारे आश्रम में आक्रमण किया है वह अवश्य ही तक्षक है, हमारी सहायता करो ब्राह्मण देवता। संभलिए ऋषिवर। ऋषिवर नहीं, मैं हूं। अब ये कुंडल मेरे हुए। चल
छल हुआ है मेरे साथ। मैं चाहता तो बलपूर्वक भी इन्हें प्राप्त कर सकता था, किंतु छल करने में आनंद आता है मुझे। चिंता ना करें महारानी, मैं इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा और इन्हें गुरुदेव और गुरु माता तक अवश्य पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये कुंडल नहीं ले जाने दूंगा। क्रोध एक भीषण अग्नि के समान है जो सदा विनाशकारी ही सिद्ध होता है।